वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हमारे से कॉलर आ चुकी है परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी परवीन, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरे बच्चे की उम्र ना 12 साल है। ठीक है। तो उसको अस्थमा का मसला है। ठीक है ठीक है। तो वो उसका ना जिस्म बहुत ज्यादा फूल गया है। 2-3 साल से इसको ये मसला शुरू है, तो उस दौरान इसका इतना मोटापा हो गया है और बेली बहुत ज्यादा निकल रही है। कितना वेट है आपको कुछ पता है आपने? उसका ना 55 तक जो है ना ठहर गया है। और उसकी हाइट कितनी है? हाइट उसकी हाइट का नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। और ये जो आपने 12 साल बताई है, ठीक है, उसकी डाइट कैसी है? ठीक है। डाइट इतना तो नहीं जंक फूड खाते, क्योंकि घर की रोटी छोटी ज्यादा मैं उनको देती हूँ, चावल जरा शौक से खाता है। ठीक है। तो लेकिन प्लीज मुझे उसके बारे में, हाँ, दोनों डॉक्टर से भी पूछ रहे थे, सलाफे से भी पूछ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन। सॉरी मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कॉल लेनी होती है, लेकिन हम डेफिनेटली पूछेंगे। 12 साल का बच्चा है, 55 वेट है, हाइट भी 12 साल के बच्चे की को बहुत ज्यादा तो नहीं होती। 55 अभी बहुत ज्यादा नहीं है 12 साल के बच्चे में। इसमें ये है कि अपना लाइफ स्टाइल बच्चा बेहतर करे, ये घर में उसको जंक वगैरह ना दें, डेफिनेटली स्कूल में उसको लाजमी कुछ देते होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीजें, चिप्स वगैरह इस तरह की चीजें, कुछ साइकिल ले दें ताकि उसको साइकिल वगैरह चलाए, फिजिकल एक्टिविटी बड़े, अगर वो गेम्स वगैरह पे जो कंप्यूटर वगैरह उससे उसकी हटाएं। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो और प्रोटीन डाइट ज़्यादा शुरू कर दें, प्रोटीन डाइट से ये होगा कि थोड़ा सा आप जल्दी वेट लूज करते हो और साथ फिजिकल एक्टिविटी हो तो बेहतर हो जाता है। फिर भी ना हो तो कुछ ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, ऐसे शेक्स हैं जो सेफ़ हैं, वो आप चॉइस दे पर आप दे सकते हो, तो उससे इसका कम हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो परवीन, आपने बच्चे के लाइफ स्टाइल को जंक फूड मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना है और उसका अलावा उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, और एक चीज करेंगे और कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपना थायराइड लाजमी चेक करें, थायराइड चेक करा लें। अस्थमा के लिए होता है कि उनका सांस, हमने पहले बताया कि वो यहाँ तक होता है, ठीक है, इसमें सांस प्रॉपर उनको नहीं आता। तो अस्थमा का अगर क्योर देखा जाए तो आसान ये होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बैठ कर करें या दीवार के साथ बैठ कर, जैसे भी आपने इनहेल किया, अब जब आप एक्सहेल करोगे तो आपके लंग्स खाली हैं। एक्सहेल करने के बाद ट्राई कि 6 सेकेंड्स तक आप सांस ना लें, भूलना नहीं है। 6 सेकेंड्स तक आपने सांस नहीं लिया, अगेन इनहेल। अब 10-12 साइकिल्स तक आप इस तरह करते रहेंगे, दिन में 2-3 दफा इस एक्सरसाइज को आपको दोहराना होगा, उससे वो बेहतर होता है। एक चीज होती है जो स्ट्रेच होती है इस दौरान, यही जो ब्रीदिंग बताई है आपने, सिर्फ और सिर्फ ट्राई टू होल्ड योर हैंड्स इस तरह, आप अपने हाथ को पकड़ना है क्योंकि वो 12 साल का बच्चा। तो अगर शुरू में यहाँ तक भी आएगा दैट्स फाइन, क्योंकि पॉस्चर को सिर्फ फॉलो करना जरूरी है। तो आपने यहाँ सिर्फ हाथ रखा और उसके बाद ब्रीद उसी तरह करवाया, तो सांस, इसीलिए वो वर्कआउट वगैरह नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको सांस का इशू आ रहा है ज्यादा। तो ये है। और दूसरा, कुछ लोगों को चावल अस्थमा में ट्रिगर करते हैं, अगर क्रेविंग हो, सोच रही थी कि चावल जो है वो अक्सर नहीं होता, तो अगर क्रेविंग हो तो ये वाकई में पॉइंट वर्क करता है, क्योंकि इसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं, ये थेरेपी होती है EFT की। तो आप इसको, ये कराटे चॉप इसको वर्ड कहते हैं, आपने यहाँ पर उसकी टैपिंग खुद भी आप उसके शुरू कर सकते हो, या उससे कह दो कि करना शुरू कर दे, बिकॉज बच्चा है, उसको ज्यादा हम फोर्सफुली नहीं कह सकते, फिर उसको नुकसान बताएं इस चीज के, नहीं, तो आप उसको आराम से चीज को समझा दें और ये टैपिंग करें और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जरूर करवाएं। ठीक होगा ब्रीदिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसी जो बीमारियां हैं, वो अस्थमा हो, चाहे ये इस तरह का डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें क्योर हो जाती हैं सर्जरी से। अब लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा इस हवाले से होता है कि ये कितनी सेफ है कितनी नहीं है, वो भी जरा दोबारा से हमारे देखें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप सर्जरी पे जा रहे हो तो हम पूरा उसका असेस करते हैं, कि जब भी आपने किसी को एनेस्थीसिया देना है तो आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर करोगे पहले। सपोज अगर किसी का मतलब हैवी वेट है, उसका डिफिकल्ट होता है एनेस्थीसिया देना, तो हम पहले उसको ना 2 वीक्स या 3 वीक्स उसको डाइट पे डालते हैं, आप प्रोटीन डाइट देते हो, उससे 5-7 किलो कम हो जाता है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ स्पायरमेंट वो कराते हो, उससे होता है कि कार्डियोलॉजी असेसमेंट होती है, एनेस्थीसिया वाले सारे देखते हैं, जब पेशेंट प्रिपेयर हो जाता है तो देन वी गो फॉर सर्जरी। इतना नहीं कि जी आया जी चल जी कर दो, अनलेस कि उसका फिजिकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी हो और उसका BMI 35-40 से कम हो, अगर मोर देन 40-45 BMI है तो हम उसको लाजमी प्रिपेयर करके सर्जरी करते हैं। अगर जब भी आप प्रिपेयर करके सर्जरी करते हो तो वो सेफ होती है। सर्जरी का टाइम मतलब मैं तो आई टेक ओनली 35-40 या 45-50 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाती है। 2 दिन आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, कुछ लोगों को तो 1 दिन करना पड़ता है। आप खुद ही चलते हो, कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता,
اور آپ 8-10 دن میں آپ اپنے نارمل کام پہ چلے جاتے ہو. کچھ لوگ تو 5-7 دن بھی اپنی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آفس ورک وہ بھی جوائن کر لیتے ہیں. 6 weeks اس میں ہوتا ہے یو ہیو ٹو بی آن لکوڈ ڈائٹ. لکوڈ ڈائٹ مینس کہ آپ نے روٹی چاول جو سالڈ چیزیں ہیں یہ نہیں لیتے, یو ٹو ٹیک ڈائٹ. آپ یخنی لے لیتے ہو, سوپ لے لیتے ہو, دال وغیرہ, دہی, جیلی وغیرہ, اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے. لوگوں کے ذہن میں لوگ اس سرجری کو کنفیوز کرتے ہیں لائپو سیکشن سے اور ٹمی ٹک سے. جب بھی اکثر ایون کئی ڈاکٹرز بھی جب میں جاتا ہوں پوچھتے ہیں اچھا جی کتنا وزن کم ہو گیا, آپ نے کتنا نکال دیا فرسٹ ڈے پہ. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جب ٹائم لگتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیونکہ اپنے اسٹمک کا سائز کم کرنا ہے, آپ نے فیٹ نہیں نکالنی. لائپو اور اس کا فرق یہی ہے, لائپو از اے کاسمیٹک پروسیجر, لائپو از ناٹ اے ویٹ لاس پروسیجر. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر جس نے اور لائپو ہمیشہ ان میں کرتے ہو جن کا 100 سے کم ہو یا 90 سے کم ویٹ ہو, ان میں وہ باڈی کو ایک شیپ دے دیتے ہیں لائپو, اور پھر کھاؤ گے تو اب پھر واپس وہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ خود بخود آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. پہلے مہینے 10-12 kg کم ہو جائے گا, 6 مہینے میں 35-40. اور جتنا کس کا زیادہ ویٹ ہے, جتنا کوئی ہیوی ہے, سپوز اگر ایک بندہ لاسٹ میں نے کیا 180 kg کا تھا, تو اس کا فرسٹ منتھ میں ہی 25 kg کم ہو گیا. تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ مطلب زبردست. جناب لائپو سیکشن میں ابھی اس لیے ایف سی ڈاکٹر سے پھیلنا ہو جائے. میں نے ویسے ایک سیلیبریٹی ہیں جن کو دیکھا تھا جن کے ریزلٹس بہت ہی ڈیزاسٹرس تھے, تو میں نے اس لیے اسے ریلیٹ کیا. لیکن آپ چونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اوبیسٹی جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کو بھی کیور کیا جا سکتا ہے, اور سلافے نے بھی آپ کو اتنی زبردست ٹپس دے دی, دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ سلافے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بچوں کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں کہ بچے آپ کے اتنے شائع کیوں ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.